Now, Mediterranean forest. The Mediterranean forest is the region around the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea is found in between Europe, Asia, and Africa. In these continents, on the west and southwest margins, Mediterranean vegetation paya jata hai. Where? In the west and southwest. It means in this location. In the west and southwest location, what we will get? The Mediterranean vegetation. Mostly found in the areas at the Mediterranean Sea in Europe, Asia and Africa in a very pleasant type of climate. Now here what we see? Here the climate is of pleasant type. Okay, we get the pleasant type of climate here. These regions are marked for hot, dry summers and mild, rainy winters. इस एरिया में क्लाइमेट कैसा रहता है? समर्स जो रहेगा वो टेम्परेट रीजन में होने की वजह से ज्यादा स्क्रॉची नहीं होते हैं और जब विंटर आते हैं तो उनमें बारिश भी होती है. As it is said that mild winters. तो यहाँ पे हॉट समर्स होते हैं लेकिन विंटर्स कैसे होते हैं? माइल्ड रेनी मतलब बारिश आती है तब. सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमन कल्टिवेटेड हियर. अब यहाँ पे जो कल्टिवेशन देखने को मिलता है वो किसका मिलता है हमें? सिट्रस फ्रूट्स का. ऑरेंजेस, ऑलिव्स एक्सेट्रा. देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ. यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत कम देखने को मिलती है और इसका रीजन है बिकॉज This region has pleasant climate, so there are good human settlements. Farms of citrus fruits are found here, so there is no much wildlife. यहाँ पर क्या है? Human settlement ज़्यादा है. Just because of the pleasant climate, human settlement ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर wildlife कम पाई जाती है. So this is all about the Mediterranean forest. Coniferous forest. In this forest, the trees are found in the conical shape. As you can see, the trees are found in the conical shape or we can say pointed peaks. Jinki peaks kaisi ho? Pointed. In the higher latitudes of 50 to 70 degree of northern hemisphere, this forest are found. It means this forest are found only in the hilly regions or mountains, not on the plain surface. The coniferous forest are also called as taiga. In Russian language, the word taiga means pure or untouched. ये वेजिटेशन हायर लैटिट्यूड्स पर फाउंड होता है और वहां पर ह्यूमन बींग का आना जाना कम होता है, इसलिए इन्हें प्योर और अनटच्ड कहा जाता है. टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, न्यूज प्रिंट एंड मैच बॉक्सेस. सो हियर वी गॉट वॉट टॉल एंड सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज. चेर, pine, cedar are the important varieties of trees in this forest. Animals found here are silver fox, polar bear and mink. So this is all about the coniferous forest and here we complete our forest part. Now we will study about the grasslands. Grasslands. What is grassland? The area where is no such great vegetation is seen. Only the grass is seen on plain areas. Okay, दूर दूर तक वहां पर कोई बड़े फॉरेस्ट नहीं दिखते हैं, बिल्कुल एक दो फॉरेस्ट दिखेंगे, बाकी आपको पूरे प्लेन एरिया में क्या मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ ग्रास. ओके, तो ग्रासलैंड्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? टू पार्ट्स में, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. व्हाट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स? Tropical grassland. These grasslands are found on the either side of the equatorial region. It means
इन दी इक्वेटोरियल रीजन। अभी तक हमने कितनी बार पढ़ लिया कि ट्रॉपिकल जो भी है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, वो सारे कहाँ मिलेंगे? इन दी इक्वेटोरियल रीजन। दिस ग्रासलैंड रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल्स एंड नो डेंस वेजिटेशन इज ऑकर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो रेनफॉल है वो कैसी है? बिल्कुल मॉडरेट, ओके। और जो वेजिटेशन भी है वो कैसा है? नॉर्मल, मतलब डेंस वेजिटेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कवर मोस्ट ऑफ अफ्रीका, ब्राजील एंड लार्ज एरिया ऑफ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन दिस रीजन ग्रास ग्रो वेरी टॉल, यहाँ की जो ग्रासेस होती है वो बहुत टॉल होती है, अप टू 3 to 4 meters इन हाइट। एंड दी एनिमल्स फाउंड हियर आर एलिफेंट्स, जिराफ, लेपर्ड्स एक्सेट्रा। नाउ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैव मैनी डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, ओके। इन अफ्रीका द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सवाना। In Brazil, they are known as campos. Okay, please remember these names, that in Africa, the tropical grassland is known as savanna and in Brazil, it is known as campos. So, next is temperate grassland. Temperate grassland. These grasslands are found in the mid-latitudinal zone and in the interior part of the continents. We know where does the mid-latitudinal region lies. This is the tropic and here this is the mid-latitudinal zone. So what is said that it is found in the interior part of the continent, means in mid-latitudinal this is continent. Suppose, so here we will find the temperate grasslands, okay. The grasses found here are short and nutritious. हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में देखा कि जो वहां की ग्रास होती थी वो टॉल होती थी, और टेम्परेट ग्रासलैंड की ग्रास कैसी है? शॉर्ट है और कैसी है? न्यूट्रिशियस है। दिस ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो नोन एज स्टीपीज इन यूरोप, ओके। सो टेम्परेट ग्रासलैंड और ऑल्सो हैव डिफरेंट नेम्स, दे आर नोन एज स्टीपीज इन यूरोप। पैम्पास इन साउथ अमेरिका, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका एंड अमेरिका, ओके। इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड व्हाट वी हैड स्टडीड दैट सवाना एंड कैंपोस। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को और किस नाम से जाना जाता था? सवाना और कैंपोस से। ऐसे ही टेम्परेट ग्रासलैंड्स को स्टेपिस बोलते हैं यूरोप में, पैम्पास बोलते हैं साउथ अमेरिका में, प्रेरिस बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, और वेल्ड्स बोलते हैं साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर ड्रायर एंड कोल्डर देन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, मतलब यहाँ की जो ग्रास होती है वो कैसी होती है? ड्राई होती है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? एकदम कोल्ड होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स। द एनिमल्स फाउंड हियर आर वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स एंड एंटीलोप्स। सो दिस आर आवर टू ग्रासलैंड्स, दैट इज ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट्स। इन डेजर्ट्स we will study about the two types of deserts, that are tropical deserts and temperate deserts. So the location of these both deserts are, tropical deserts are found in the western margin of continents
And the temperate deserts are found in the mid-latitudinal zone or the interior of the continents, as I had explained the earlier. Now, the last topic of our chapter is tundra or polar deserts. The location of these deserts are in the northern Canada, southern Greenland, Eurasia and Alaska. The climate of this region is winters are very long and cold, while summers are very short. There is very little rainfall. The soil in this region is permanently frozen and is known as permafrost. Vegetation is very few plants are grown in the polar deserts. Most of the plants are short and stunted. So, this is all about the natural vegetation and wildlife. Here we end our chapter.